हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप ईडीओ मेल कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली एक वीडियो हमने पहले भी इस टॉपिक पर बनाई है, बट होता क्या है कि जो ये ट्रिक्स होती हैं, जब ज्यादा यूज में आ जाती है तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने सर्वर्स को अपडेट कर देती हैं, पैच कर देती। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ये नया मेथड लेके आया हूं और उसे मैं लाइव ही टेस्ट करूंगा। बस आपने क्या करना है कि डिटो सेम जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो। तो यहाँ पर हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। फर्स्ट, हमें एक VPN चाहिए। VPN हम यहाँ पर यूज करेंगे WinScribe, ओके? तो फर्स्ट हमें VPN यूज करना है जिसका नाम है WinScribe। सेकंड, हम यहाँ पर जो ब्राउजर यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम ब्रेव। फिर हमें एक एड्रेस चाहिए, fakexy.com वेबसाइट, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। फोर्थ, हम लोग जीलो करके वेबसाइट होती है जहाँ पर प्रॉपर्टीज सेल और परचेज के लिए डाली जाती है, वो वेबसाइट यूज करेंगे। फिफ्थ, हमारी यूनिवर्सिटी की कॉलेज की वेबसाइट होगी otc.edu, उसे यूज करेंगे। बस आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी करें जैसे मैं कर रहा हूं। तो इस वीडियो में तो आपने जिस तरह से मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप सेम उन्हें रिपीट कीजिए, फॉलो कीजिए, तो मेरी गारंटी है, अश्योरिटी है कि आपको भी ईडीयू मेल मिल जाएगी। बस आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, बट इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पहले तो वीडियो को स्किप कर लेते हैं, बाद में वो कमेंट्स डालते हैं कि आपके बताए हुए ट्रिक से हमारा काम नहीं हो रहा। तो उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखें। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपने ब्रेव ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्रेव ब्राउजर को ओपन कर ले, ओके? यहाँ पर ये जो वेबसाइट्स ओपन है मैंने एक बार बंद कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये मेरी लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा मियामी की शो हो रही है, बट यहाँ पर हमें एक एरर भी शो हो रहा है कि हमारा टाइम जो है वो डिफरेंट। आपने सबसे पहले, मैं आपको VPN से स्टार्ट करता हूँ, तो ये VPN कनेक्टेड है, इसे हम एक बार ऑफ कर देते हैं और मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो मेरी एक्चुअल लोकेशन है, ओके? तो ये इंडिया। तो हमने यहाँ VPN इंस्टॉल करना है। VPN आप जिनके पास इंस्टॉल्ड है वो सीधा कनेक्ट कर लेंगे, और जिनके पास VPN इंस्टॉल्ड नहीं है उन्होंने क्या करना है कि आप लोग ये जो 3 लाइन शो हो रही हैं टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आप मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट जिनके इंस्टॉल नहीं है उन्होंने यहाँ वेब स्टोर पर क्लिक करना है। वेब स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे WinScribe VPN, ओके? और आपने इसे सर्च कर लेना, और ये जो फर्स्ट आपको VPN शो हो रहा है आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना। फिर मेरे यहाँ पर शो हो रहा है रिमूव फ्रॉम ब्रेव, आपके यहाँ आएगा ऐड, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेना। जब ये आपका ऐड हो जाएगा फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके इसे पिन कर लेना। जैसे फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से शो होगा, आपने क्लिक करना है और पिन करना है, आपका ये VPN यहाँ पर शो हो जाएगा, ओके? तो ये हमारा VPN इंस्टॉल हो गया। जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने लोकेशन मेनू पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको ये सारी लोकेशन शो होंगी। यहाँ पर आप USA की लोकेशन अवेलेबल है हमारे लिए, आप इनमें से किसी भी लोकेशन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं कोई भी यूज कर लेता हूं, जैसे मैंने इसे क्लिक कर लिया, तो ये हमारा कनेक्ट हो रहा है और ये इस समय कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा से लोकेशन एक बार फिर से चेक कराता हूं। तो इस समय देखिए इंडिया है, बट मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारी लोकेशन चेंज हो चुकी। अब हमें ये एरर शो हो रही है सिस्टम टाइम, तो उसके लिए आपने जो ये आपका डे टाइम शो रहा है यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एडजस्ट डे टाइम पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपने टाइम जोन को चेंज कर लेंगे, ओके? तो यहाँ पर हमने US कनाडा ईस्टर्न टाइम यूज करना है, तो आप ढूंढ लीजिए मेरा ईस्टर्न टाइम US कनाडा। तो ये टाइम जोन हमने सिलेक्ट कर लिया, आप इसे क्लोज कर दीजिए और उसके बाद अपने ब्रेव ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो दोबारा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें शो हो रहा था सिस्टम टाइम डिफरेंस है वो हमारा निकल गया। अब यहाँ पर हमारा स्कोर 100 out of 100। तो सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ओके? तो आप एड्रेस बार में से एड्रेस नोट कर लीजिए। यहां से आपने एक एड्रेस ले लेना है और उसे कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव करके रख लेना है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, उसके बाद नोटपैड रन कीजिए।
और इसे पेस्ट कर लें। ओके, फिर हम चलेंगे हमारे थर्ड वेबसाइट की तरफ जो है jilo.com। इसका एड्रेस भी आप यहाँ एड्रेस बार में से नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आप यूएस डाल लीजिए। यहाँ आप यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है करंट लोकेशन, ये देखिए ये बने, तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर जो इस लोकेशन पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी शो हो जाएंगी। अगर आपके पास ये करंट लोकेशन वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे फ्रेंड्स, यूएस डालिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको ये सारी लोकेशन शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे से किसी भी लोकेशन को ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर आप जो भी लोकेशन आपको सही लगे वो आप यहाँ से ले लीजिए और उसे भी नोटपैड में सेव करके रख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ये लोकेशंस हैं तो हम इसे ही ले लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन को मैंने क्लिक करके ओपन किया, तो आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए और इसे भी मैं यहाँ अपने नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने ओपन करना है आउटलुक एक्सप्रेस, तो आप सर्च कीजिए आउटलुक, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट लिंक है, इसे आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर क्रिएट न्यू मेल एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें खुद से डालना पड़ेगा और एक्सटेंशन हमें यही चाहिए outlook.com। तो क्रिएट मेल पर हमने क्लिक किए, ऑलरेडी यूज्ड अकाउंट ये, इसके साथ हम 123 लगा देते हैं। ओके, ये मिल गया। अब यहाँ पर आप अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो यहाँ पर पासवर्ड रख लीजिए। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम डालना है, वो जो हमने नोटपैड में नेम सेव किए हुए हैं उन्हें ही हम यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। अब आ गया डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, 26 दिसंबर 1979। तो मंथ है जो वो दिसंबर है, डेट है जो वो 26 है, ईयर है जो 1979 है। ओके, तो आप उधर से देखिए और यहां पर डाल दीजिए। फिर ये हमें पजल शो हो रहा है, इसे हमने सॉल्व करना है। ओके, तो अगर इसे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो हम यहां पर चेंज करेंगे तो ये आंसर सही है, क्योंकि अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। इसी तरह से आप रिपीट करते रहिए स्टेप्स को, जब तक आपको जो डिजायर्ड इन्होंने पूछा है, यहाँ पर देखिए सेम है, तब तक आपने इसे चेंज करता रहना है एरो की हेल्प से और इसे सबमिट करना है। ओके, तो आपका जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, कई बार यहाँ पर ये आपसे ये वेरिफिकेशन का जो पजल भी है 2-3 बार सॉल्व करवा लेता है, तो इसलिए यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी है। ओके, जब आपका अकाउंट बन जाएगा आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, बट उससे पहले मैं इस ईमेल एड्रेस को यहाँ नोटपैड में कॉपी करके सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर दीजिए। ओके फ्रेंड, मैं फिर आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक स्टेप मिस हो गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी ईडीयू मेल नहीं बनेगी, आप बाद में मुझे ब्लेम मत करना। तो थोड़ा नेट स्लो होता है तो, और उसके बाद जब वीपीएन लग जाता है तो उससे ज्यादा हमारा स्लो हो जाता है, इस वजह से ये दिक्कत यहाँ पर शो होती है। तो आप दोबारा रीलोड कर लीजिए। तो आप देखिए ये हमारी मेल लॉगिन हो चुकी है, और जो हमारे यहाँ पर हमने अकाउंट बनाया था वो बनाया था हमने जैस्मिन डेनियल का, और अगर देखें यहाँ पर इसे डाउन करके तो ठीक है, जैस्मिन डेनियल 123@outlook.com। तो ये हमारे अकाउंट ईमेल अकाउंट बन चुका है। ओके, कहाँ पे, आउटलुक एक्सप्रेस में, इसे खुला रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। आपने यहाँ पर टाइप करना है apply.otc.edu, उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। यहां पर आपने स्टेप 1 पर क्लिक करना है, फिर आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आपने यहां पर क्रिएट की है। तो मैंने इसीलिए कॉपी की थी कि मुझे टाइप ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने यहां पर नोटपैड की फाइल से इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर आपने सोशल सिक्योरिटी नंबर यहां पर डालना है, तो यहाँ पर जो ये इसके अंदर डैश लगे हुए हैं इन्हें हम लोग यहां से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद यहां से कॉपी करके इन्हें यहां पर
पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से नेम बस आप देखते जाइए और स्टेप रिपीट करते रहिए जैसे मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूं। यहां पर ना मैंने दोनों नेम इकट्ठे टाइप किए थे और जब हम लास्ट नेम कॉपी करते हैं तो आपने बिल्कुल इसके साथ तक एरो ले जाना है बैकस्पेस दबा के, नहीं तो आपको यहां पर स्पेस की एरर शो होगी नेम। ठीक है, बाकी मिडल नेम वगैरह कुछ नहीं डालना है। ओके, तो यहाँ पर आपका मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आ गई हमारी, इसे भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से हमने फिर एक बार चेक कर लेते हैं 26 दिसंबर 1979। बस फॉर्मेट आपने यहां पर ध्यान रखना है कि पहले आपने मंथ डालना है, फिर आपने ईयर सॉरी डेट और फिर ईयर। ठीक, फिर आप यहां नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर हमें ये कैप्चे शो होगा, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस आ गया हमारा, तो हम यहां पर इस स्ट्रीट एड्रेस को नोटपैड से कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमें यहां शो हो रहा है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, सेव करना है कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, इसके बाद आपने जब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आप अपनी मेल में जाएंगे, आप देख रहे हो हमें यहाँ पर एक मेल रिसीव हो चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप इसे ओपन कर लीजिए। ये जो कंफर्म वाली मेल है सेकंड, आपने इस पर क्लिक करना है। सॉरी थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सिस्टम धीरे काम कर रहा है। ओके, फिर जो ये कंफर्म वाला लिंक है यहां पर हमने क्लिक कर देना है। अब हम यहां पर चलेंगे जो हमें नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, ये आपको यूजर नेम असाइन हो चुका है, इसे आप कॉपी करके अपने यहां नोटपैड में सेव कर लीजिए। फिर आप यहां पर पासवर्ड टाइप कीजिए और यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड आपने अपर केस लोअर केस, उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर और नंबर्स, चारों को मिक्स करके क्रिएट करना है। ओके, यहां पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन पर। यहां पर आपने जो यूजर नेम कॉपी किया था उसे पेस्ट कीजिए, उसके बाद जो आपने अपना पासवर्ड डाला था वो डालिए और साइन इन पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड को अगर आपने सेव करना है तो सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको आपका एड्रेस शो होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आपने कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर सीधा नेक्स्ट कर दीजिए। जो आपके पास ये प्रीवियस नेम है नो, अब यहां से आगे आपने देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूं और उसे फॉलो करते रहना है।
तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हम आई एग्री और आई एक्नॉलेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आप बिल्कुल बॉटम तक स्क्रॉल कीजिए इसे, अगर आपको कहीं पर कुछ गलती लग रही है तो आप उसे सही कर लीजिए। फिर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर मैं नाम रख लेता हूं ताकि अगर मुझे इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, बंद कर देते हैं इसे और यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब हमें जो हमारी ये ईमेल आईडी है, यहां पर फ्यू आवर्स के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे बाद एक मेल रिसीव होगी और जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारी ईडीओ मेल बन चुकी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे मैं मिलता हूँ आफ्टर फ्यू आवर्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमें लगभग 7-8 घंटे हो चुके हैं। वहां पर लिखा हुआ था जब आपको मैंने लास्ट स्टेप दिखाया था फॉर्म सबमिट करने के बाद कि आपको कुछ फ्यू आवर्स के बाद आप दोबारा ट्राई कीजिए, तो हमें कुछ घंटे हो चुके हैं और यहां पर मैंने अपने आउटलुक की जो ईमेल थी वो ओपन कर ली है। तो लास्ट जो हमें मेल रिसीव हुई थी ओटीसी एडमिशन वाली, उसको हमने ओपन कर लेना है और यहां पर आफ्टर इंस्टॉलेशन वाला जो ये लिंक शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहां पर आपने स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है, स्टूडेंट्स के अंदर करंट स्टूडेंट्स पर। ओके, फिर आपने यहां पर ईमेल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब अगर यहां पर मैं आपको चेक करवाऊं तो आप देख सकते हो हमें ईमेल आईडी, तो हमारी ईमेल आईडी बन चुकी है और उसमें otct.edu लगा हुआ है। अब यहां से मैं आपको मेल सेंड करके दिखाता हूं किसी और ईमेल आईडी पर। ओके, तो हमने यहां न्यू मेल पर क्लिक करना है। न्यू मेल के बाद मैंने एक और ईमेल आईडी यहां पर टाइप करता हूं, amri.gateways@gmail.com। मैं एक बार एड्रेस भी कंफर्म कर लेता हूं। ओके, ठीक है, इसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाल दिया यहां पर टेस्ट मेल और यही है मेरा कंटेंट। ओके, इसके बाद मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूं। हाँ, स्टिल सेंडिंग आ रहा है यहां नीचे, आप देख सकते हो जहां पर हमारा डेट टाइम शो होता है। तब तक हम अपनी, हाँ, सेंड हो चुकी है मैसेज सेंड। तो ये पहले हमें ड्राफ्ट में शो होगा। ओके, फिर ये हमारा सेंड में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी मेल सेंड हो चुकी है। अब हम यहां पर अपने इस ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं जिस पर हमने मेल सेंड किया। तो आप देख सकते हो डेनियल जैस्मिन की तरफ से हमें ये टेस्ट मेल रिसीव हो चुकी है। अब हम जीमेल से मेल अपने ईडीओ मेल में सेंड करते हैं। तो मैंने रिप्लाई पर क्लिक किया और यहां पर मैंने लिखा थैंक्स और हमने सेंड पर क्लिक कर दिया। यहां पर अगर सेंड में जाते हैं कंफर्म कर लेते हैं, ये हो चुकी है सेंड हमारी। अब हम चलते हैं ब्रेव ऑफिस के अंदर और यहां इनबॉक्स पर चलते हैं। इनबॉक्स के अंदर हम लोग इसे एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को। ओके, तो आप देख सकते हो अमरिंदर सिंह की तरफ से हमें ये मेल रिसीव हो चुका है। तो इसका कंटेंट भी चेक कर लेते हैं क्या वही है, ये देखिए थैंक्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो कि हम ईडीओ मेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसमें मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि हम कैसे ईमेल एक्सटर्नल मेल पर सेंड कर सकते हैं और वहां से रिसीव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। बाकी मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके मत देखें। बाद में आप लोग फिर कमेंट करते हो कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारी ईडीओ मेल नहीं बनी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।